प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए सरकार ने मकान बनाकर रहने के लिए दिए, लेकिन हितग्राहियों ने उन मकानों को किराए पर दे दिया है। ऐसे में किसी में स्कूल संचालित हो रहा है तो कोई सट्टा खाई वाली कर रहा है। दरअसल भाजपा पार्षद दल के सदस्य चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित मल्टी में निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां एक मकान में स्कूल चल रहा था तो एक कमरे में सट्टे का अड्डा संचालित हो रहा था। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो सट्टा सामग्री मिली। पुलिस ने मौके से अजय बाथम को पकड़ा है, वहीं उसका साथी भाग निकला। पार्षद अजय तोमर ने बताया कि हमें यहां पर अवैध गतिविधियां संचालित होने की जानकारी मिली थी। यहां आकर देखा तो एक व्यक्ति के नाम से चार चार मकान है। कुछ लोगों ने स्कूल खोल रखा है, कुछ ने दुकानें खोल रखी हैं। जब हमने कुछ खाली मकानों को देखा तो यहाँ पर सट्टा भी चल रहा था। यहाँ कई अनियमितता भी मिली है। मामले में बीट प्रभारी को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है। हम लोगों को जानकारी मिल रही थी कि जो मल्टी मिली है गरीबों के स्लम क्षेत्र के स्लम वालों के लिए, वहाँ पे अनियमितताएं हो रही हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के नाम पे चार चार मकान हैं, कहीं स्कूल चल रहे हैं, कहीं किराने की दुकान चल रही है, इसी की शिनाख्त करते करते हम जब रूमों में गए तो एक जगह पे सट्टा भी चलता हुआ पाया गया बड़ी मात्रा में। और हमने फिर सिविल लाइन थाने में हमने सभी जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी और जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन आया तो कुछ हल्का सा ज्ञात हमें ये हुआ कि ये भी मिली भगत का विषय है, जिसमें हमने TI साहब को जानकारी मिली थी। TI साहब को अवगत करवाया कि आपके यहाँ का भी कोई अधिकारी जो है वो इनको इस विषय को जानता है कि यहाँ सट्टा चल रहा है, क्योंकि उसके पास फ़ोन पे बात हुई उससे जिस जो भग गए थे सट्टे चला। एक PS सिविल लाइन में चंद्रशेखर आज़ाद नगर है, यहाँ पर एक मल्टी में जो जनप्रतिनिधि थे वो भ्रमण पे थे, उनको कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी और उस शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा जो है अजय बाथम नाम के लड़के को पकड़ा गया, जो कि सट्टा पर्ची लिख रहा था। वहाँ वो एक निर्माणाधीन नगर निगम का मकान है, अभी किसी के पजेशन में नहीं, उस पर जुगा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, उसका एक साथी फरार है, उसको तलाश किया जा रहा है। सर जो बीट प्रभारी हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया। सर एक बड़ा अहम सवाल है कि वहाँ के क्षेत्रीय पार्षदों को मालूम है, लोगों को मालूम है, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी इसी के लिए जो है उनके जो बीट प्रभारी हैं उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, अगर उनकी कोई भी गलती पाई जाती है दंडित। क्या शुभ नाम है सर कारण जो है बीट अधिकारी? अभी थाना प्रभारी को जारी किया गया, थाना प्रभारी के माध्यम से ही जब विभागीय प्रक्रिया है उसके माध्यम से